खबर का ट्रिगर उसी पंजाब से है जहां आम आदमी के पार्टी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की पंजाब लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ तलवार तानकर खड़ी हुई है और इस लड़ाई में एक बड़ा दांव चलते हुए पंजाब सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक सुखपाल सिंह खेरा को अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लिया है। करीब 8 साल पुराने ड्रग्स केस में यह गिरफ्तारी हुई है। अब सोचिए, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन दिल्ली में बैठी इसी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पंजाब में अपने एक बड़े नेता विधायक के लिए खुलकर आवाज तक नहीं उठा पा रही है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी तक सब खामोश है, सब चुप है। हालांकि इस पूरी कहानी को एक बड़ा ट्विस्ट देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने यह आरोप लगा दिया कि सुखपाल सिंह खेरा को इसलिए गिरफ्तार किया गया, इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि सुखपाल सिंह खेरा ने राघव चड्ढा की ग्रैंड वेडिंग पर सवाल उठाया था। खेरा ने राघव चड्ढा पर सवाल उठाते हुए यह पूछा था कि खुद को आम आदमी जैसा बताने वाला राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी का नेता, अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा को 4 कैरेट डायमंड वाली बेहद महंगी रिंग कहां से गिफ्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, जबकि 2020-21 में आयकर रिटर्न के मुताबिक राघव चड्ढा की आय करीब 2.5 लाख रुपए है, खेरा ने इससे जुड़े दस्तावेज भी ट्वीट किए हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान तक उन्होंने सवाल पूछा था कि खुद को आम आदमी बताने वाले सुपर लग्जरी गाड़ियों की सवारी कैसे कर रहे हैं, वहां इतना इंतजाम कैसे हुआ। अब इसे महज इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन ऐसे सवाल उठाने के बाद अगले ही दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को यानी सुखपाल सिंह खेरा, कांग्रेस के विधायक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद शुरू हुआ एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर। कांग्रेस ने मान सरकार की तुलना जंगल राज से कर डाली। यही नहीं, मान सरकार को तानाशाह और गुंडा राज तक कहा गया। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है क्योंकि पंजाब में अब कानून का राज है। कहते हैं सियासत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल उलट है जी। एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सियासी दुश्मन की तरह देख रही है, इस मुश्किल दौर में ना अकाली कांग्रेस को घास डाल रहे हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। लेकिन एक दिलचस्प मुकाबला दिल्ली में भी चल रहा है जहां सीएम हाउस के रेनोवेशन पर खर्च हुए करोड़ों रुपए की जांच अब सीबीआई करेगी। अब कांग्रेस के अनिल चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास में महाघोटाला हुआ है और अगर केंद्र सरकार ईमानदारी से जांच करे तो केजरीवाल जेल में होंगे, ऐसा कांग्रेस कह रही है। हालांकि इस पूरे सियासी खेल में कांग्रेस बेबस, लाचार और बड़ी बेचारी सी दिख रही है। कांग्रेस का एक विधायक जेल चला जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन ना जाने किस मजबूरी में पार्टी की टॉप लीडरशिप की जुबान पर ताला लगाकर बैठी है। अब सोचिए, अगर ये विपक्षी पार्टियां साथ मिलकर सत्ता में आए तो खेल क्या होगा, पूरा का पूरा मामला गिव एंड टेक का होगा। कोई कहीं फायदा उठाएगा, दूसरा कहीं और फायदा उठाएगा। शायद इसलिए देश की जनता पिछले 2 टर्म से लगातार केंद्र में फुल मेजॉरिटी वाली सरकार बनवा के दे रही है और राज्यों में भी, ताकि पॉलिटिकल बार्गेनिंग वाली गुंजाइश यानी खरीदो फरोख ना हो सके और देश के लिए भी शायद वही हितकारी है। लेकिन इस पूरी कहानी में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है, जो अपने कार्यकर्ता के साथ भी खड़ी नहीं हो पा रही बंगाल से लेकर पंजाब तक। ये अफसोस की बात है, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए लड़ता है पार्टी उसके लिए नहीं लड़ पा रही, ये वाकई लोकतंत्र के लिए अफसोस की बात है। फिलहाल आर पार में इतना ही, उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, अगला कार्यक्रम देश नहीं चुकले।